संदेरी गांव से रिलेटेड मैटर है। इसमें कल सूचना मिली थाने पे कि संदेरी गांव में एक 18 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसके घर से लगे हुए खेत में, मक्के के खेत में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मृतिका की माँ गुड्डीबाई के अनुसार धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में पूरी टीम हमारी एक्टिवेट हुई और हमने आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना बरेला के अंतर्गत रहने वाला लड़का है। आरोपी शुभम है आरोपी का नाम, और ये कुछ वर्षों पहले से उस बच्ची के कांटेक्ट में आया था। बच्ची मनेरी में रह करके अपने नाना जी के घर में रह करके पढ़ाई कर रही थी। अभी कुछ समय पहले वो अपने गांव संजारी आ गई थी और कल रात को घटना के दौरान, घटना होने के पूर्व आरोपी और जो मृतिका है उसमें चर्चा हुई थी, और इसमें जो हमको संदेह डाउट्स थे उसके आधार पे हमने कंटिन्यू इसका इन्वेस्टिगेशन किया और विद इन 24 आवर्स अपन ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। इसमें अभी प्राइमरी रूप से ये रीजन समझ में आया है कि लड़का की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, और ये चूँकि जो मृतिका है इसका संबंध पहले से आरोपी से था, और वो उसके पारिवारिक जीवन में, आरोपी के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से उसने इस लड़की को जान से ख़त्म कर दिया है। कैसे ये अभी जो हमने इन्वेस्टिगेशन में हमको जो एविडेंस मिले उसके आधार पे पहले इनसे बातचीत होती रही है, और उसके बाद में ये मोटरसाइकिल से वहाँ पे पहुँचा था। क्योंकि घटना दिनांक की रात में वहाँ पे गणपति का कार्यक्रम भी चल रहा था और बाहर शोर शराबा था, और इसी शोर शराबा का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। बाइक इसने अपनी थोड़ी आगे खड़ी कर दी थी, और उसके बाद में ये उनके जो आपस में चर्चा हुई थी उसके अनुसार ये खेत में पहुंचा था, और उसके बाद में वहाँ पे लड़की पहुंची, उनमें जो भी बातचीत हुई है, उसके बाद में अगले दिन जब अपने को सूचना मिली हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे बच्ची की डेड बॉडी थी, और उसके आधार पे हमने सारा केस का खुलासा किया। घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये पूर्ण रूप से ब्लाइंड मर्डर केस था।